कैटरीना कैफ की मैरी क्रिसमस ने चीटिंग को बढ़ावा दिया। देखिए अभी जल्द ही रिलीज हुई मैरी क्रिसमस जिसमें कैटरीना कैफ और विजय सेतुपति लीड रोल में हैं। इससे पहले एनिमल आई थी और फेमिनिस्ट उठ उठ के चिल्ला रहे थे कि इसमें लड़के ने लड़की को कैसे चीट किया, ये कैसे हुआ। और बॉलीवुड ये आज से नहीं न जाने कब से करता आ रहा है। सबसे ज्यादा चीटिंग का जिम्मेदार है ये बॉलीवुड, क्योंकि इनके मूवीज में दिखाया जाता है चीटिंग इज अ कूल। 2 जनवरी को आई थी तोबा तेरा जलवा, उसमें अमीषा पटेल ने डिफाइन किया था एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को कि वुमेन है, वुमेन की नीड होती है और ये करना कुछ गलत नहीं होता। जी हाँ, ऐसी ऐसी बातें मूवीज में दिखाई जा रही है बॉलीवुड के। अभी विजय सेतुपति और कैटरीना कैफ के मैरी क्रिसमस में भी ऐसा ही कुछ दिखाया गया, जहाँ विजय सेतुपति का नाम होता है अल्बर्ट और वहीं कैटरीना कैफ का नाम होता है मरियम। जहाँ कैटरीना कैफ अपनी पास्ट स्टोरी बताती है कि कैसे वो अपने सरकेस्टिक बॉयफ्रेंड से पीछा छुड़ाने के लिए उसके ही दोस्त के साथ उसे झूठ बोलकर पिक्चर देखने जाती थी और उसके पास कासो का वे बाइक थी, इसीलिए वो उसे चीट कर रही थी और अपने बॉयफ्रेंड के दोस्त के साथ ही घूम रही थी। और उसके दोस्त ने मरियम से कहा कि अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लो, तो उसने ब्रेकअप भी कर लिया और फिर कुछ दिन बाद उसका दोस्त मरियम को प्रपोज कर देता है और उसके बाद वो सरप्राइज होती है और उसके साथ रिलेशनशिप में आ भी जाती है और 3 हफ्ते बाद उनकी शादी हो जाती है। 7 साल बाद पता चलता है उसका असली चेहरा, जब उसे लगता है कैटरीना कैफ को कि ये तो उससे भी ज्यादा सरकेस्टिक है और ये भी मेरे को चीट कर रहा है। वही विजय सेतुपति यानी अल्बर्ट की ये स्टोरी है कि अल्बर्ट एक शादीशुदा लड़की लूसी से प्यार करता है, उसे भगा के ले जाता है और कुछ देर रहने के बाद लूसी को अचानक से अपने पतिवर्ता नारी होने का एहसास होता है और वो कहती है कि मुझे अपने पति के पास जाना है। वहीं जब विजय सेतुपति उसे मनाता है और उससे शादी करने के सपने देखता है, लेकिन लूसी मना कर देती है क्योंकि उसने अपने पति तक को छोड़ दिया था। इसी पर विजय सेतुपति उसका खून कर देता है। वहीं कैटरीना कैफ भी अपने बॉयफ्रेंड का खून कर देती है और इसमें हुकअप कल्चर को भी बढ़ावा दिया गया, जहाँ कैटरीना कैफ अलग अलग मर्द को रात को घर बुला रही है। और बात सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है, एक दूसरा मर्द कैटरीना कैफ के घर और आता है जो खुद शादीशुदा है और उसकी बीवी घर पर इंतजार कर रही है। तो डेट इज बॉलीवुड, जहाँ साउथ की फिल्मों में दिखाए जाते हैं रिश्ते की मर्यादा, वहीं बॉलीवुड हमारी जनरेशन को खराब कर रहा है और कहीं ना कहीं लोग इससे ही इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। आजकल पार्टनर को चीट करना एक ट्रेंड बन चुका है और हमें जितना हो सके मैरी क्रिसमस जैसी फिल्मों से तो दूरी रहना चाहिए, ताकि बॉलीवुड एक मर्यादा में ही मूवी बनाए रिश्तों की समझ कर। देखिए क्राइम थ्रिलर मूवी है रघु राम राघवन के द्वारा, अंधाधुन इनकी एक अलग ही मूवी थी। मूवी की स्टोरी भी थोड़ी बोरिंग है सेकंड हाफ में, हालांकि आपका दिमाग चकरा जाएगा और मूवी अच्छी चलने लगेगी, लेकिन फर्स्ट हाफ में आप समझ ही नहीं पाएंगे कि हो क्या रहा है। लेकिन मैं इस मूवी के स्टोरी का रिव्यू नहीं कर रहा, बल्कि जो इसमें रिश्ते मर्यादाओं के साथ खिलवाड़ हुए हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हमें आवाज़ उठानी होगी ताकि बॉलीवुड ऐसा ना करे।